चलो यार भाई लोग, मेरा पासपोर्ट भी आ गया, लेट मी शो यू एंड ही इज माई पासपोर्ट। अब तो अमेरिका जाऊँगा भाई। हम चांदनी चौक आया जलेबी रबड़ी खाने, 110 साल पुरानी दुकान पे अभिषेक भाई के हाथ और गोविंदा भाई के हाथ। आज हमने पुलिस वालों को भी खिलाया है। दोस्तों पुलिस वाले हमेशा गलत नहीं होते, बहुत अच्छे आदमी होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? सारे बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हूँ। तो भाई लोग, आज एक बार मैं जाने वाला हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा पासपोर्ट मेरे को मिलेगा वापस। आज बहुत सारे काम है, आज मेरे को पहले तो जाना है चांदनी चौक भी, उससे पहले जाना है मेरे को डेंटिस्ट के पास, और उससे पहले मेरे को डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा लाइक जलन सी हो रही है पेट में, और मतलब लाइक बहुत हीटेड फील हो रहा है, मतलब बहुत गर्म गर्म सा और जलन सी फील हो रही है बहुत दिनों से। तो डॉक्टर और डेंटिस्ट तो मेरे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, मेरे को वहाँ पे जाना है पहले। उसके बाद मैं जाऊँगा सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, हालांकि मेरे पास अभी तक कोई मेल आया नहीं है। बट क्या सीन है कि ना, मेरे को एक बार जाके तो चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई पता नहीं कब मेल कब आए, अब अभी तक आए नहीं, इतने दिन हो गए हैं। लगभग मेरे हिसाब से शायद चार मतलब पाँच दिन नहीं चार तीन चार दिन हो गए हैं। ठीक है, मैं लास्ट वेनसडे को था जब मेरे को मतलब एक वीज़ा अप्रूव हो गया था मेरा, एंड उसके बाद से अभी हो गए हैं बहुत दिन, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं भाई एक बार जाके ले आऊँ। बट क्या सीन हो गया कि भाई मैं सुबह सुबह ढूंढ रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा था। आधार कार्ड लेना ज़रूरी हो जाता है, और आधार कार्ड नहीं था ना भाई, मैं सोच रहा भाई हो गया भाई काम। फिर मैं ढूंढा ढूंढा और फिर बोला जय भोलेनाथ हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, वैसे मिल गया आधार कार्ड। मैंने कहा ठीक है भाई, अब जल्दी से भाई सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाल लिए जो चाहिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के साथ अपना, और अभी मैं जाऊँगा पहले अभी डेंटिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो डेंटिस्ट के पास मैं गया था अपना स्कैन करवाने के लिए दांतों का, क्योंकि मेरे को एक दांत को अपना चेंज करवाना था। ऑलराइट भाई लोग, नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ और अभी मैं जल्दी से निकल रहा हूँ डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट भाई मेरा अभी फिर बोलेगा कि भाई तेरे लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट करी है मैंने, उसके बाद भी अगर तू आज लेट आया ना तो बहुत मारूंगा। अपना पासपोर्ट लेने के बाद सीधा तो मैं निकला स्कूटी पे और सीधा पहुंचा चांदनी चौक। चलो यार भाई लोग, मेरा पासपोर्ट भी आ गया, लेट मी शो यू एंड ही इज़ माई पासपोर्ट, जिसमें मेरा वीज़ा अब लग गया है, और मतलब वो तो उसी दिन लग गया था बट हाथ में आने लग गया था, तो हाथ में भी आ गया है। और अभी मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक, जो हमें करनी है शॉपिंग, तो जल्दी से अभी निकल रहे हैं और मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। चांदनी चौक में मिलता हूँ तुमसे। डेंटिस्ट से मिला है, डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट भी हो गई, अब चांदनी चौक। चलो यार भाई लोग, अभी पहुँच गया हूँ मैं चांदनी चौक। अब मम्मी भाई और भाभी तीनों अभी पहले से ही पहुँचे हैं चांदनी चौक में, क्योंकि मैं चला गया था अपने ये लेने के लिए, पता है ना तुम्हें। हाँ तो बस उसके बाद अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी क्या सीन था ना, ये लोग पहले से पहुंच गए थे, इन्होंने पहले गए लाल किला थोड़ा शायद मे बी शायद घूमने गए थे, तो लाल किला वाल किला इन्होंने घूम लिया, अब चल रहे हैं भाई खरीदते हैं। देखो मेरे को ना बाकी चीज़ों का तो इतना पता नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है, यूएस में ना ये जो होते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, जो एथनिक क्लोथ्स होते हैं ना, वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो मैं दो तो कुर्ते में जो अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग फैशन में चल रहा है ना, वो वाले मैं ले लूँगा। घर वालों से मिल गया, लेकिन मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी से भाई सोचा कि कुछ खाते हैं पहले, और शुरुआत करेंगे मीठे से। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं भाई क्या खाने, जलेबी, जलेबी वो भी देसी घी वाली। ये रहा भाई जलेबी, वो भी देसी घी वाले, इसकी जलेबी खाएंगे भाई। भाई हम चांदनी चौक आया जलेबी रबड़ी खाने, 110 साल पुरानी दुकान पे अभिषेक भाई के हाथों और गोविंदा भाई के हाथों। मैं आपकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ अपने दूसरे चैनल की, अलग से बना रखी है ड्रामे इतने, इसीलिए मैंने छोले भटूरे पहले ही बोल दिए थे। थोड़ी देर पहले शॉपिंग करी और उसके बाद निकले हम घर, क्योंकि पूरा एकदम बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली थी मैंने। देखो सामान तो बहुत सारा ले लिया है, इसमें ले रखा है जैकेट, लेदर जैकेट, लॉन्ग कोट, एक पहना हुआ भी है, बैग में ले लिया, बैग के अंदर भी है, बेल्ट भी ले लिए। अब अपन निकल रहे हैं और उसके बाद सीधा घर पे ही मिलते हैं।
घर पहुंचा तो मैंने पापा को सबसे पहले पासपोर्ट दिखाया और बोला कि पापा अब मेरा वीजा लग गया है, अब मेरे पास टाइम आ गया है। देखो कब आया था? आज गया था अभी लेने ऑफिस में। अच्छा, मैसेज तो आता नहीं है। हाँ। आया भी नहीं। हाँ। मैंने कहा भाई चला ही जाता हूँ, कब आएगा देख ले। गया वहाँ, आ रखा था बहुत पहले से ही। हाँ। हम इतना वेट कर रहे थे। चलो भाई अब तो अमेरिका जाऊँगा। फिर शाम को मैंने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। चलो यार भाई लोग, अभी हम कपड़े अपने पैक कर रहे हैं क्योंकि अब मेरा पासपोर्ट आ गया है। यहाँ पे अभी मैंने देखो अपने स्वेटर, टी शर्ट, शर्ट अभी पैक कर दिया है, और इसमें नीचे हुडी भी है, ये पैक कर दिया है। अभी कितना टाइम और लगेगा, मेरे को ऐसा फील हो रही है कि कम से कम 3 बैग मेरे को लगेंगे, बट होपफुली अगर 2 में ही काम बन जाए तो फिर तो बढ़िया ही है। कपड़े कम बनियान ज़्यादा? पैकिंग करने के बाद फिर मैं निकला अपना समोसे बांटने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि कुछ लोगों को, उन लोगों को जिनको जरूरत है उनको समोसे बांटूंगा, क्योंकि मैंने अपना वादा करा था भोलेनाथ से। लाइटिंग का इशू तो भाई लोग बताए, मैंने ना समोसे के ऑर्डर दिए, मैंने लगभग 73 दिए एग्जैक्टली, और उसमें से मैं अभी 6 समोसे ले आया हूँ भगवान को भोग लगवाने के लिए। तो अभी मैं देखो ये समोसे ले आया हूँ, और अब मैं लेके जा रहा हूँ, पहले भोग लगा दूंगा भगवान जी को, फिर जो बचे हुए समोसे आएंगे उसके साथ इसको मिक्स कर दूंगा और फिर बांटूंगा, ठीक है। ठंड कितनी हो रही है। समोसे में ले आया अभी, बेसिकली ना 2 डब्बे हैं समोसे के, तो ये देखो एक ये है जिसमें समोसे हैं हमारे सारे, हालांकि ये पेस्ट्री का बना हुआ है, और एक ये है, एक ये रहा, ठीक है, जिसमें समोसे हैं। हमने भोग लगाए, ये वाले इसका हमने भोग लगाए, अब हम इसको भोग लगाए वाले अपने इन दोनों में मिक्स कर देंगे। उस एक में 2 डाल दे, एक में 3 डाल दे, एक तो हमने वहीं रख दिया ना। ये भगवान जी का प्रसाद देख लो, एकदम पूरे भरे भरे समोसे, एकदम गरम गरम, एकदम मजा आ गया। वाह, और भाई खुशबू एकदम ऐसी आ रही है ना, श्री राम के अच्छे समोसे। हाँ चलो यार भाई लोग, ये पूरे समोसे हैं, सेम ऐसा डब्बा हमारा पीछे भी रखा हुआ है, और ये रहा, और एक और एक थैले में भी है थोड़ा बहुत, तो अभी हम ये बांटेंगे, ठीक है शुभम भाई? ठीक है भाई, सारे बांटने हैं, और सबको रात को भूख लग रही है, उन सबका पेट भरना, सबका पेट भरेंगे, ये लोगों की बातों में नहीं आएंगे। ये कौन सी लोगों की बात है? जो लोग कहते हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, लोगों का काम है कहना। कोई नहीं भाई, अब ये सारे भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं सोच रहा हूँ भाई उन लोगों को जिनको भूख लग रही हो, गरम गरम इतने अच्छी खुशबू वाले समोसे भाई मिलेंगे, कैसा मजा आ जाएगा। खाना खा लिया? समोसे गरम गरम, समोसे चटनी वैसे नहीं है, बड़ा डब्बे में बहुत बड़ा है, भूख नहीं इतना। देखो कैसे बच्चे भागते हुए आए ना, बुला दो बच्चों को, बुला दो ना, बुला दो बच्चों को, बुला दो, ठीक है अम्मा। चलो रुक 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 रुक, और पूछ लो और कोई और ले आए किसी को। चलो फिर और कोई नहीं है तो चलो कंबल तो नहीं है, कंबल नहीं है, समोसा है, समोसे बच्चों का चाहिए, बच्चों का चाहिए, समोसे साथ ही। हेलो
ये लो आंटी, ये लो ले बेटे। और है कोई समोसा ले लो यार, प्रसाद है, श्री राम का समोसा है, प्रसाद है, बाट ही रहे हम तो सारा मंदिर से पूजा बोल करवा के आए हैं। हाँ भाई, हमारा एक डब्बा फट गया है, अब दूसरा डब्बा बांटने जा रहे हैं, ये वाला। हिप्पी पूरे, मेरा टास्क कंप्लीट। आज हमने पुलिस वालों को भी खिलाया है। दोस्तों, पुलिस वाले हमेशा गलत नहीं होते, बहुत अच्छे आदमी होते हैं। हम वकीलों की तो हमेशा मदद करते हैं, तो हमें जब भी मौका मिला हमें पुलिस वालों की मदद करनी चाहिए, जैसे अभी हमने करी। तीन समोसे दिए उन्हें, काफी अच्छा लगा बांट के। रात भर हमारी सेवा करते हैं, रात को हमारा काम है उनकी सेवा करने का। सही बात है, ठीक है भाई लोग, तुम लोग भी हमेशा लोगों की मदद करो। ऐसे अभी हम समोसे बांट रहे हैं, आप लोग भी कुछ बांटो, उन लोगों को दो यार जिनको जरूरत है, ठीक है। चलो, अभी हमारे एक डब्बा बट गया है, दूसरा डब्बा बचा है, ये डब्बा बांट के फिर हम निकलेंगे अपना घर, ठीक है। प्रसाद है। हाँ, थैंक यू भैया। भैया रुक जा, रुक जा। अरे भाई आराम से यार, लग जाती है आपकी। ठीक है भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो बड़ा अच्छा लगा यार भाई लोग, तुम लोग भी करो यार, अच्छा लगता है। कल भी कुछ ना कुछ बांटेंगे, बड़ा मन है मेरा बांटने का। ये साल सेवा के नाम, ये साल सेवा के नाम भगवान का दिया है, भगवान के। चलो भाई, अब घर पे मिलते हैं सीधा, ठीक है। चलो यार भाई लोग, अपन अपना घर की तरफ निकल गए यार। ये जो एम्स में और सफदरजंग हॉस्पिटल के वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, पेशेंट्स आते हैं, तो उनके उनके रिलेटिव्स जो होते हैं वो लोग के वहाँ रहते हैं, तो उन लोग हम वहाँ गए तो पता चला वो लोग हैं। मतलब मैं सोच रहा था अचानक से यहाँ पे ऐसा तंबू सा क्या लगा, लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मतलब एक जने से बात भी करी हमने, उसने बताया कि भाई हम वो सब में से जो आते हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ आते हैं, एंड ये सारा सीन होता है। मैंने कहा ठीक है यार, चलो। हमने भाई उन लोगों का पेट भर दिया जिनको भूख लग रही थी, तो बस यही सोच के मैं आई एम हैप्पी, बस ठीक है यार। और आप लोग भी कोशिश करो। चलो यार, जल्दी से मेरा पूरा रूम मैच कर रखा है, तो अभी बस मैं जल्दी से ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में कुछ अलग मस्ती करते हुए। टिल देन बाय, सी यू, टाटा, लव यू। हाँ, बस अब दो तीन दिन हो गए, खुशियाँ बांटते रहना। आई होप भाई लोग आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ज्यादा ही मस्ती करते हुए। टिल देन बाय, सी यू, टाटा, लव यू। और हाँ, कुछ यहाँ बांटते रहना। यहाँ से जाऊँ एटलीस्ट मैं एक बार गंगा नहा के जाऊँ, तो बड़ा वैसे ठंड इतनी ज्यादा हो रखी है तो डर तो थोड़ा लग रहा है मेरे को। हाँ, नहाऊंगा कैसे, क्या वहाँ पानी कितना ठंडा होगा। पहुंच गए भाई गंगा हरिद्वार, ये देखो। जय भोलेनाथ, जय बाबा, ये जय केदार। अरे यार, मम्मी आज तो बर्थडे आपका।